नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। ज्ञान भी व दान भी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काल भैरव अष्टमी, काल भैरव अष्टमी जब होती है तो ऐसे बहुत सारी आप उपाय रेमेडीज होती हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे खास करके आपकी नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो कंट्रोल होती हैं। और काल भैरव अष्टमी में खास करके कहा जाता है कि शाम के समय अगर आप मीठी रोटी का दान देते हैं, या मीठी रोटी डॉग को डालते हैं, या फिर मीठी रोटी आप बना करके मंदिर में जाते हैं, भैरव मंदिर में जा करके काल भैरव के सामने आप उस रोटी को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो आपकी बड़ी सारी परेशानियां जो हैं वो दूर होती हैं। नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज के बहुत ज़्यादा घेरे में रहते हैं। ऐसे लोगों को काल भैरव अष्टमी के दिन एक काला धागा लेना चाहिए, उसमें 8 गांठें लगानी चाहिए और अपनी राइट कलाई में यानी राइट हैंड की कलाई में से बांध देना चाहिए। इसे गले में भी धारण कर सकते हैं आप, इसे पैर में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर पैर में डाल रहे हैं तो लेफ्ट यानी बाएं पैर में डालिएगा। अगर आप हाथ में डाल रहे हैं तो राइट कलाई में बांधिए, क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी घेर रही होती हैं, जिन लोगों को ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बॉदर करती हैं, परेशान करती हैं, यानी बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस रहते हैं, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं, भय होता है, डर लगता है, ऐसे लोगों को या तो घर में ही ये काला धागा बना करके डालना चाहिए, या फिर काला धागा ले जाना चाहिए, भैरव मंदिर में जाना चाहिए, शाम के संध्या के समय यानी सूर्य अस्त के आसपास ही जाना चाहिए, वहाँ काल भैरव के सामने खड़े रह करके इस धागे पर 8 गांठे नॉट्स बनाने चाहिए, और उसके बाद ये धागा वहीं खड़े खड़े आपने अपने राइट हैंड की कलाई में बांध लेना चाहिए, या फिर गले में धारण कर लेना चाहिए, या फिर अगर पाँव में धारण करना है, कुछ लोग कहते हैं कि हाथों में नहीं दिखता अच्छा, हम नहीं रखना चाहते हाथों में, वो पैर में बांध सकते हैं, लेकिन पैर हो लेफ्ट पैर में ही उस धागे को बांधना है। यकीन मानिए आपकी नेगेटिव एनर्जीज दूर होंगी, आपको डरावने सपने नहीं आया करेंगे, कोई जल्दी आपको परेशान नहीं करेगा, बहुत जो दुश्मन होते हैं ना वो अपने आप शांत होना शुरू हो जाएंगे, आपको उनकी तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम कीजिए, बाकी काम तो काल भैरव खुद ही कर लेंगे। यानी काल भैरव जो है वो रुद्र रूप है, उग्र रूप है, लेकिन वो परेशान सिर्फ उन लोगों को करते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो दूसरों का नुकसान करते हैं। प्रचंड रूप उनको दिखाते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके बाद पहुंचाते भी हैं। ऐसे लोगों के लिए काल भैरव जो है वो बहुत प्रचंड रूप लेकर के उन्हें सजा देते हैं, लेकिन बाकी भक्तों को नहीं सताते हैं वो। तो नेगेटिव एनर्जी की काट जो है वो काल भैरव अष्टमी है। इस मौके का आपने लाभ ज़रूर उठाना है, और इस मौके से आपने एक चीज़ और ज़रूर करनी है, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो भी पहुंचे और उनको भी सहयोग मिले। अगर कोई भी इस समस्या से पीड़ित है उन तक ये वीडियो पहुंचाना ये आपका भी कर्तव्य है। अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। मेरी अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।